कारोबार पर नकेल कसने को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती के निर्देश पर स्थानीय पुलिस अपराध शाखा के निरीक्षक जयवंत चौहान एवं कारधा पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक वानखेड़े के नेतृत्व में की गई संयुक्त कार्रवाई में करजखेड़ा परिसर में छापा मारकर 83,000 रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें उषा वलथरे, सुमित्रा ढबाले, काशीनाथ मेश्राम, देवांगना मार्वते, देवला विनोद खंगारा आदि का समावेश है। कारधा पुलिस स्टेशन अंतर्गत करजखेड़ा परिसर में एक नाले के किनारे उषा वलथरे, सुमित्रा ढबाले, काशीनाथ मेश्राम, देवांगना मार्वते, ज्ञानीराम सोनवाने एवं देवला खंगार की महुआ शराब की भट्टियों पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई में 34 प्लास्टिक थैली से कुल 680 किलो महुआ सड़वा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 54,400 रुपए बताई गई है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन में रखा सड़वा एवं अन्य माल सहित कुल 82,900 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ कारधा पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, LCB के PI जयवंत चौहान, कारधा सहायक पुलिस निरीक्षक दीपक वानखेड़े के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और Google Play Store से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।